हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। बहुत बहुत स्वागत है आपका विक्ट्री मेंटरशिप के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि करंट का सीरीज लगातार चलाया जा रहा है, तो उसी कड़ी में वेस्ट एशिया में अस्थिरता को लेकर आए, जिसमें से अभी देखे होंगे कि लगातार पहले ईरान ने इसराइल पे हमला किया, फिर इसराइल ने ईरान पे हमला किया। तो उन चीजों को बाद में चर्चा करेंगे, पहले उन इलाकों की चर्चा करेंगे जिसे सीधे सीधे एग्जाम में क्वेश्चन होगा। वो चीजें आपको चैनल में और वो कम ही देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, तीन चीज महत्वपूर्ण है। एक तो लोकेशन, जो जितने भी लोकेशन है और वहाँ कंट्री है, वहाँ पे जो अभी विवाद चल रहा है और लगातार चर्चा में है वो। दूसरा, व्यापारिक रूट, तेल का रूट जितने भी है या फिर जिन जहाजों पे हमला होता है वो। तीसरा, जितने भी गठबंधन बन रहे हैं या फिर नए नए टेक्नोलॉजी का प्रयोग हो रहा है, तो उन सबसे क्वेश्चन रहेगा। तो एक तरह से अगर वेस्ट एशिया वो देखे, ये इधर हो जाएगा पूर्वी एशिया, इधर उत्तर, दक्षिण, इधर अफ्रीका और ये यूरोप, ये अवस्थिति है। और हम देखेंगे कि जो तेल का रूट है वो देखिए, भूमध्य सागर से लाल सागर होते हुए अरब सागर होके और फिर एशिया की तरफ जाता है। तो एक तो स्वेज नहर से क्वेश्चन, भूमध्य सागर के लोकेशन पे जितने देश है वो क्वेश्चन, और लाल सागर जो एशिया को अफ्रीका से अलग करता है, तो उसके तट पे जो कंट्री है, फिर अरब सागर के आसपास के इलाका, वैसे ही दिखिए इधर कैस्पियन सागर ईरान से सटा हुआ सीमा साझा करता है, फारस की खाड़ी, हार्मुज जल संधि, इन सब की लोकेशन देखिएगा, इन सबसे क्वेश्चन रहेगा। आसपास के दो देशों का नाम दे देगा या फिर कोई और सागर का नाम दे दे और ऑप्शन वाइज क्वेश्चन पूछेगा। नेक्स्ट देखेंगे जितने भी चर्चा में अभी क्या क्या है। एक तो इजराइल, पूरे इजराइल का मैप देख लीजिएगा। दूसरा, गाजा, वेस्ट बैंक, लेबनान, जॉर्डन, इराक, ये सारे क्षेत्र देखा जाए तो पूरे के पूरे अब जो युद्ध की चपेट में आ रहा है वो पूरा के पूरा वेस्ट एशिया ही। फिर भी चार पांच लोकेशन, एक इजराइल, सीरिया, इराक, जॉर्डन, लेबनान और एक हूती यमन, इनका लोकेशन देख लीजिएगा। ईरान के आसपास के जितने भी देश है वो खुद मैप में देखिएगा, दो तीन बार तो याद हो जाएगा। अब अभी तत्काल में हुआ क्या है। एक तो जो लाल सागर से होके जितने भी जहाज जाते हैं उनपे जो ईरान की समर्थित हूती रेबल्स विद्रोही है वो उनपे हमला करते हैं, तो ये हूती यमन से संबंधित या अरब सागर से संबंधित कोई टॉपिक दे दे। दूसरा, फारस की खाड़ी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां से इस इलाके से जितने भी तेल की सप्लाई होती है, तो युद्ध जब भी होगा तो ईरान धमकी देता है कि ये जो हार्मुज स्ट्रेट है इसे वो बंद कर देगा, तो इसका लोकेशन आप देख लीजिएगा। फिर कैस्पियन सागर का देख लीजिएगा, भूमध्य सागर का, देखिए इन सब में क्या है कि जो अब तो अधिकतर दो गुट में बन चुके हैं। एक इजराइल का गुट है जिसमें पश्चिमी देश अमेरिका और ब्रिटेन वगैरह है, दूसरा ईरान का है जिसमें रशिया, चाइना वगैरह है। तो पहले से ही इजराइल की सुरक्षा के लिए ये जो देख रहे होंगे लाल सागर और भूमध्य सागर में अमेरिकी युद्धपोत है, ताकि यहां से ईरान का जो हमला होगा उसे वो रोक पाए। अब देखिए, यहां है इजराइल और यहाँ है ईरान, दोनों की कोई सीमा साझा नहीं होती, फिर भी 100 से अधिक फाइटर जेट जाके और ईरान पे हमला किए। तो क्या किया, यहां से गया सीरिया, इराक होते और ईरान पे हमला किया। तो जिस दौरान वो जा रहा था 100 फाइटर जेट, वो जितने भी एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम थे उन सब पे भी हमला किया और फिर ईरान के ये वाली जो इलाका है जहां मिसाइल और ड्रोन के उत्पादन सेंटर थे उन सब पे हमला किया। वैसे ही जो 1 अक्टूबर के आसपास जो ईरान ने हमला किया था वो सीधे यहाँ से मिसाइल मारा था, यहाँ लगभग 180 की मिसाइल। ऐसे पेपरों में बहुत सारे चर्चा देखे होंगे कि लेकिन इजराइल की जो डिफेंस सिस्टम ने जो ट्रैक किया था वो 180 मिसाइल थी, कोई क्षति नहीं हुआ था। पर जो इजराइल की तरफ से हमला हुआ है उसमें 4 IRGC के गार्ड मारे गए हैं और जो मिसाइल ड्रोन उत्पादन सेंटर थे वो सब ध्वस्त हुआ है। तो अब पूरे के पूरे अगर वेस्ट एशिया को देखें तो अब ये बारूद के ढेर पे बैठा नजर आ रहा है, कभी भी बहुत बड़ी इलाके में युद्ध फैल सकता है।
इस बार आप कोई भी पेपर हो, इस इलाके से क्वेश्चन रहेगा, कोई लोअर लेवल का अगर एग्जाम होता है तो वो देश का नाम पूछ दे, राजधानी पूछ दे, वहां की करेंसी पूछ दे, या फिर जितनी भी लोकेशन है जैसे फारस की खाड़ी, लाल सागर, वो सबसे क्वेश्चन पूछ दे, या फिर जितने भी नए नए टेक्नोलॉजी जैसे F-35 लड़ाकू विमान है, आयरन डोम जो इनका मिसाइल सिस्टम है, एंटी मिसाइल सिस्टम है, या फिर जो भूमध्य सागर में, लाल सागर में अमेरिकी युद्ध पोत है उससे संबंधित पूछ दे, या दोनों गुट में से किसी गुट का नाम पूछ दे, या इजराइल के प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पूछ दे, वैसे ही ईरान के सर्वोच्च नेता या राष्ट्रपति के नाम, या महत्वपूर्ण जो गार्ड है इनका IRGC उनके बारे में पूछ दे, या फिर आप देखिएगा कि गुप्तचर एजेंसी जैसे इजराइल का मोसाद नाम ही है, वैसे ही ईरान का, तो उन सब चीजों से क्वेश्चन रहेगा। वैसे आप देखिएगा तो बहुत सारे चीज सुबह सुबह अखबार में आएगा, न्यूज चैनल में आएंगे, तो वो चीजें बहुत सारी कहानी बताएंगे, लेकिन उसमें क्वेश्चन बहुत कम बनेगा। पर इन लोकेशनों को देख के और जितना चीज मैंने बताया उन सबको देखिएगा तो आपको सीधे सीधे फैक्ट क्वेश्चन नजर आएंगे, बाकी जो मेंस के टॉपिक है वो तो संपादकीय पढ़ने के बाद ही पता लगेगा, वो करेंट से जुड़ के ही रहेगा, पर जो PT का फैक्ट है वो यही इलाका से सारे क्वेश्चन आएंगे, तो 3-4 बार देखिएगा तो याद हो जाएगा। अब देखिए इसमें देखना क्या, दो गुटों में पहले था जो यहाँ गाजा में लड़ रहे हैं या फिर सीरिया में लड़ रहा था, तो ये जो ईरान है वो शिया गुट था, और सऊदी अरब सुन्नी गुट जो अब तक समर्थन से पीछे रहा था, पर अब इस बार जो जो भी हमला हुआ है ईरान पे उसका सऊदी अरब भी निंदा किया, इसका मतलब कि अब पूरी मुस्लिम वर्ल्ड एक होते नजर आ रहे हैं इस युद्ध में। तो अब देखिए युद्ध का दायरा धीरे धीरे बढ़ते चला जा रहा है, और खुल के जो एंटी कंट्री है जैसे कि रशिया ने साफ साफ सपोर्ट में आया इस हमले के खिलाफ, उन्होंने सूचनाएं भी साझा की, चाइना से भी खबर आ रहा है कि उन्होंने लेजर से संबंधित वो एंटी मिसाइल डिफेंस सिस्टम दिए, S-300, S-400 रसिया ने भी दिया, ईरान का खुद भी बाबर मिसाइल सिस्टम है, तो उन सब से भी प्रश्न रहेंगे, तो बहुत मुश्किल नहीं है, 3-4 बार देखिए और सबका लोकेशन याद कर लीजिए तो याद हो जाएगा, और हम लोग मिलते रहेंगे ऐसे ही करंट के छोटे छोटे टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।